हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द गंगा मुहूर्त चैनल। घर में अगर संतान मूल में यानी कि सतैसा में पैदा होता है तो घर तथा उसके सदस्यों को खासकर अपने पिता पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती, जिससे घर में बाधा एवं दुख बने रहते हैं। अंततः बच्चों का मूल शांत करवाना यानी कि सतैसा का पूजा करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जिससे काम आने वाली कुछ सामग्री आज के समय में एकत्र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको सतैसा में काम आने वाली, गंडमूल में काम आने वाली जितनी भी शांति पूजा की जितनी भी सामग्री, वो सभी आपके वजन के साथ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दूध 250 ml, दही 250 ml, घी 250 ml, शहद 100 ग्राम, शक्कर 200 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, गंगा जल, गुलाब जल 1 नग, मौली धागा 1 नग, जनेऊ 5 नग, चंदन, गुलाब, गुलाल, कुमकुम, हल्दी 15 नग, सुपारी 15 नग, लाल कपड़ा, पचमेवा, पान पत्ता 15 नग, अगरबत्ती, नारियल 4 नग, लौंग, इलायची, कपूर, रुई, बतासा, कांसा की कटोरी 1, हवन की लकड़ी 1 किलो, काला तिल, नवग्रह समीधा 1 नग, शौषधि 1 नग, गमछा 2, हवन माली 1 नग, चंदन का चूरा, उड़द दाल, नारियल गिरी, भोजपत्र, जटामासी, कमलगट्टा, सतावर, पीसी हल्दी, तिल का तेल 250 ml, जल 27 जगह का पानी, यानी आप 27 कुआं का भी पानी ले सकते हैं, 27 पेड़ों का पत्ता, दो दो पत्ता लेना है आपको, 27 पेड़ का पत्ता होगा पर दो दो होगा, मिट्टी का घड़ा 27 छेद वाला, 7 जगह की मिट्टी, पंचरत्न, बांस का पत्र, मिट्टी का बर्तन 4, नक्षत्र प्रतिमा 1 नग, फूल दुबी, आम पत्ता। मूल शांति पूजा में ये सभी सामग्री का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, उसे भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।